तो सभी को नमस्कार। विषय है खेती का, खेती। और खेती के बारे में क्या कहते हैं? कृषि। खेती का दूसरा नाम क्या है? और कृषि एक ऐसा शब्द है जिसके आगे लिखा जाता है संस्कृति। जैसे लोग कहते हैं सनातन संस्कृति, सनातन संस्कृति, सनातन कृषि, सनातन जीवन, सनातनी परंपराएं, सनातन। सनातन का मतलब होता है प्राचीन, सनातन का मतलब होता है सत्य, सत्य के करीब। खेती क्या है? खेती सनातन है। हमारी जिंदगी में और कहीं सनातन गायब हो जाए एक बार चल जाएगा। कृषि संस्कृति ये सनातन है। कृषि संस्कृति का मतलब सनातन, सत्य एवं सनातन। खेती का मतलब ये सत्य और सनातन। अगर खेती में सत्य सनातन नहीं है तो फिर संसार में कहीं सत्य सनातन है ही नहीं। तो हमें खेती में सत्य खोजना है, खेती में सनातन खोजना है। खेती का सत्य से क्या रिश्ता है, खेती का सनातन से क्या रिश्ता है? अब सुनना मेरी बात, कितना बड़ा विषय है। हमारी इस खेती का संस्कृति से क्या रिश्ता है, सत्य से क्या रिश्ता है, सनातन से क्या रिश्ता है? क्योंकि सुनना, संस्कृति और संस्कार, बिना संस्कृति के कोई संस्कार, 16 संस्कार होते थे ना। अब जब संस्कृति नहीं पता तो संस्कार, परंपरा केवल बचेगी कि मुंडन करा लो बस। मुंडन का क्या मतलब होता है हमें नहीं पता। तो खेती आनंद का विषय, ये खेती किसके लिए की जाती है? मैंने बोला आनंद के लिए। आपके जीवन में आनंद आए, खुशियां आए, खेती आनंद के लिए। व्यवसाय आनंद के लिए हो या ना हो, लेकिन खेती का विषय आनंद का है। क्यों आनंद का है? खेती आनंद का विषय इसलिए है कि खेती का विषय परमात्मा से जुड़ा हुआ है। किससे? कहते हैं परमात्मा ही सत्चित आनंद का स्वामी है। कौन? आनंद। अगर इस संसार में कहीं परमानेंट आनंद है तो कहां है? परमात्मा के पास। वो सत का, चित का, आनंद का स्वामी है। और आप क्या हैं? मनुष्य क्या है? परमात्मा सद चित आनंद का स्वामी है और मनुष्य सद चित का स्वामी है। आनंद नहीं इसके पास। अब सुनना, लेकिन इस प्रकृति में जो और शेष चीजें, अभी देखिए परमात्मा के पास मनुष्य है। परमात्मा को तो किसी ने देखा नहीं, बस इतना ही पता है वो हर जगह विद्यमान है और वो हमारे अंदर भी विद्यमान है। अगर मैं, मेरे अंदर विद्यमान ना होता तो मैं यहां मरा हुआ होता। उसकी उपस्थिति ही जिंदा दिली को दर्शाती है। जहां वो नहीं है वहां मरा हुआ है और जहां है वो है वहां सब जिंदा है। ठीक है ना? तो परमात्मा सत्चित आनंद का स्वामी है, मनुष्य के पास सद है, चित है और शेष प्रकृति जो मैं बोलने जा रहा हूं, पंच महाभूत यानी धरती, पानी, हवा, आकाश
अग्नि। देखिए तीन देवता हैं, इनको बोलते हैं जड़। क्या बोलते हैं? वेद में इस जितनी बात मैं यहां लिख रहा हूं इसके अलावा पूरा वेद खंगाल डालना और कुछ नहीं मिलेगा। बस इन्हीं चीजों को वेदों ने समझाने की बात की है, नाना प्रकार से इंसान कैसे समझे, बस ये प्रयास किया गया, बातें इतनी है। तो जड़ जगत में पांच चीजें हैं, धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि, इनको देवता भी कहते हैं। क्या? धरती देवता, पानी देवता, हवा देवता, आकाश देवता, सूर्य देवता, ये देवता है। और जब ये मिल जाते हैं, पांचों मिल जाते हैं तो अलग अलग है तो देवता है, जब पांचों मिल जाते हैं तो इन्हीं का नाम भगवान है। यही भगवान है, यही देवता है, यही भगवान है। लेकिन इनके पास केवल सद है, सत, सत, ये सत है, सद नहीं, सत, ये सब सत है, मतलब सच है, सच है, समझना बात को। ये सब क्या है? सच है। और क्या क्या सच सच है? वनस्पतियां, इनके द्वारा जो बनाया गया, इनके द्वारा, पांच के द्वारा क्या बनाया? वनस्पतियां और नाना प्रकार के जीव। देखिए आप, ये सत है, क्या है लिखा है ना, सत, खेती का सत से क्या रिश्ता है? अरे सत से ही तो रिश्ता है खेती का। बताओ बीजा कहां बोगे? धरती में। सिंचाई करोगे कि नहीं करोगे? पानी से। हवा, जल, वायु, जल है, वायु है। आकाश में पौधा ऊपर जाएगा, सूरज की रोशनी से प्रकाश संश्लेषण करेगा। सत का खेती से तो रिश्ता ही है, और किससे रिश्ता है? सनातन। सनातन में क्या है? नाना प्रकार की वनस्पतियां, नाना प्रकार के जीव, क्योंकि सुनना, इस धरती को निरंतर उर्वरता प्रदान करने का काम ये वनस्पतियां और जीव ही करते हैं। तो सनातन कौन है इस धरती में? वनस्पतियां और जीव, यही सनातन है। क्योंकि जब मनुष्य नहीं आया था तब ये धरती को सजा रहे थे। बात समझ में आ गई? जब हम यहां थे ही नहीं, सनातन का मतलब है जब तुम नहीं थे, तुमसे पहले। फिर बना दूं, सनातन के बारे में पढ़ोगे तो नाना प्रकार की भ्रांतियां हैं। वो सनातनी थे सनातन काल में, कुछ नहीं यार, सिंपल सी बात है। सनातन का मतलब है हमसे पहले, हमसे पहले। तो हमसे पहले क्या? हम तो किराएदार हैं ना। आप किसी के घर में किराए पर रहने गए हो, आप तो किराए पर रहने गए हो, तो सत्य क्या है वहां का? वहां का सत्य है मकान। और सनातन कौन है? वो मकान मालिक, जिसने हमको शरण दी। तो आप किराए पर रहने गए थे, वो क्या करने लगे? गुंडागर्दी करने लगे। मतलब घर और मकान मालिक को जो है टॉर्चर करने लगे। ठीक है ना? सुनना, तो इतनी सी केवल कहानी है खेती की, कि आप खेती करेंगे और करेंगे काय के लिए? आनंद के लिए। देखना, हम परमात्मा से एक कदम की दूरी पर हैं, और वेद यही कहता है कि इंसान को ये प्रयास करना है कि उसके जीवन में आनंद की प्राप्ति हो। और आनंद की प्राप्ति कब होगी? समझ लेना बात को, जब आप परमात्मा की इस व्यवस्था को अंगीकृत करेंगे, आत्मसात करेंगे, उससे दोस्ती करेंगे। यानी कि धरती से दोस्ती है, वर्षा के पानी से दोस्ती है, जंगल से दोस्ती है, अग्नि से दोस्ती है, आकाश से दोस्ती है, वनस्पतियों से दोस्ती है, जीव जगत से दोस्ती है। मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है, सबसे बड़ा धर्म, सुन लेना, इंसान के जीवन में सबसे बड़ा धर्म है कि हमारी किसी से दुश्मनी।
अब परिभाषा एक मैंने और बदल ले लो, जिस इंसान को इस प्रकृति की किसी भी व्यवस्था से दुश्मनी है वो कभी धर्म को जान ही नहीं सकता। लेकिन अभी क्या करते हैं लोग, आपको ये बात कहीं भी कोई भी नहीं बताएगा। आप किसी से पूछो गुरुजी हमको धर्म बताओ, तो बोले इधर आ, कान में एक मंत्र फूंक दिया, किसी ने ओम नमो शिवाय का फूंक दिया, किसी ने राम का फूंक दिया, किसी ने गायत्री मंत्र का फूंक दिया, किसी ने महामृत्युंजय का फूंक दिया, और क्या कहा, बस इसकी माला जप, यही धर्म है। बोलो, या किसी ने कहा बच्चा सुबह स्नान ध्यान करके मंदिर में लाल पुष्प लेकर के दुर्गा की उपासना किया कर, यही धर्म है। मित्र ये धर्म नहीं है, सारे अधर्म के पाखंड के आडंबर हैं। मैं मंदिर का विरोधी नहीं हूं, किसी भी धार्मिक स्थल का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो मैंने पहले बोला आपको कि दुनिया के सारे धर्म गुरुओं ने, मैंने क्या बोला, आप अपने आंख, परमात्मा ने आंख दी है आंख से देखो, कान दिए कान से सुनो, और अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, या जो भी धर्म गुरु आपके बीच से ही निकला है, आप हम भी उसी परमात्मा की संतान है जिस परमात्मा की संतान धर्म गुरु है, हमारे उसके बीच में भेद क्या है, कोई भेद नहीं है। परमात्मा ने किसी के साथ कोई छल कपट नहीं किया, बराबर बराबर दिया है। जिसने ये माना कि मैं परमात्मा की संतान हूं, किसकी, एक व्यक्ति ये मान रहा है कि मैं परमात्मा की संतान हूं और परमात्मा की ये व्यवस्था है, क्या इतनी व्यवस्था, केवल ये जड़ और ये चेतन 84 लाख योनियों के ये चेतन और इसी चेतन में मैं भी एक इकाई हूं, तो ये तो परमात्मा का घर है, ये परमात्मा की व्यवस्था है, हमको मिलजुल करके रहना है, यहां मेरा कोई दुश्मन नहीं है। अगर सांप परमात्मा ने बनाया है तो उसका कोई निमित्त है, अगर बिच्छू है तो उसका भी कोई औचित्य है, मच्छर का भी कोई औचित्य है, और जब इस पूरी प्रकृति की व्यवस्था को, इकोसिस्टम को आप देखोगे तो क्या पाओगे कि जब तक मनुष्य इसका दुश्मन नहीं था तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मच्छर नहीं काटता था आपको। बोलो क्यों, मच्छर को नियंत्रित करने वाला मेंढक था, अब आपने मेंढक मार डाला। चूहा नुकसान करता है, चूहे को सांप खा जाता था, सांप को मोर खा लेता था, पूरा एक सिस्टम बना हुआ था। लेकिन विज्ञान ने, टेक्नोलॉजी ने कहा नहीं, अब हम जो है, विज्ञान तो अनंत है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी का पूरी दुनिया है। अरे आपने टेक्नोलॉजी के चमत्कार कहाँ देखे हैं, तो क्या हुआ, ये पागलपन है, ये हमारी मूर्खता है। और मैं बता दूं, देखिए दो चीजें हैं, जो चीज परमात्मा ने बनाई है, जो चीज परमात्मा ने बनाई है, यहां प्रकृति का विज्ञान चलेगा, प्रकृति का, परमात्मा के द्वारा बनाई गई पूरी व्यवस्था में प्राकृतिक जो ला है, प्राकृतिक जो नियम है, वो नियम चलेगा, तुम्हारा कोई नियम नहीं चलेगा। और तुमने जो टेलीविजन बनाया है, तुमने जो मोबाइल बनाया है, यहां तुम अपनी जितनी भी टेक्नोलॉजी हो अपना दिमाग लगाओ। भगवान ने कहा है तू जो बनाता है वहां तू आजाद है, चाहे जितनी टेक्नोलॉजी लगा ले। हे पुत्र, जिस जो मैंने बनाया है उसमें दखलंदाजी मत करना, क्यों, तुम उस टेक्नोलॉजी को जानते ही नहीं, अन्यथा क्या होगा, टमाटर खट्टा होता था, अब हाइब्रिड टमाटर, मिर्च कड़वी होती थी, अब मिर्च भिंडी जैसी लगती है। क्या है कि तुमने, अब और समझना एक बात को,
मनुष्य क्यों ऐसा सोच रहा है कि मैं करेले की वैरायटी निकालूंगा, और वो भी चलो सिलेक्शन से निकालता, ठीक है हम दो जीन्स को इधर उधर करेंगे, उसके डीएनए में छेड़छाड़ करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग लगाएंगे तो क्या होगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जो आप पैदा करोगे कैसी पैदा होगी? कि आप खीरा देखा है ना आपने बाजार में, आप झोला देखो बाजार में मंडी जाना, वो आदमी ऐसे ऐसे झांक रहा है इस ठिलिया में उस ठिलिया में उस ठिलिया, क्या ढूंढ रहे भाई साहब? भाई साहब देसी खीरा खोज रहे हैं। अरे हमने कहा कृषि वैज्ञानिक साला देसी खीरा छोड़े ही नहीं, सब मार डाले देसी खीरा को, ये हाइब्रिड वाला खरीदो खाओ। वैज्ञानिक भी झोला लेके देसी खीरा खोज रहा है। अबे बेवकूफ तू क्यों खोज रहा है? तू तो तेरी तो जन्म दिया है इसका, तू यही खाना। ऐसा पागल हो गया इंसान, ठीक है ना? तो हमको क्या, देखिए कितनी सी सरल बात है, सनातन कृषि खेती का संबंध कृषि संस्कृति सत्य सनातन से है, खेती का संबंध सत्य से है, सत्य ये पंच महाभूत है जो मांडवी ने बताया, सनातन ये वनस्पतियां हैं, जीव देखना इनका खेल, पानी कौन बरसाता है, पानी बरसने की क्रिया इन्हीं वनस्पतियों से हो रही, तुम्हें पता भी नहीं है, जहां जंगल है वहां पानी बरस रहा है। और सुनना, जहां वनस्पतियां वहां संपूर्ण जीव ये पल रहा है। धरती आपके लिए नहीं बनी, ये जो धरती माता है, धरती मां किसकी मां है? मनुष्य की ना। इस सत्य के ऊपर जितना भी जीव जगत है ये सब की मां है, इसीलिए वो कहती है पुत्र तुम अपने लिए गेहूं बो रहे हो ना बेटा, गेहूं के खेत में जो भतुआ बो रही हूं, जो हिरन खूरी बो रही हूं बेटा, वो दूसरे जीवों के लिए, उनका पालन कौन करेगा? तो मां उनके लिए बोती है, लेकिन टेक्नोलॉजी क्या कहती है? गेहूं के खेत में, मटर के खेत में, अरहर के खेत में, इसके खेत में कोई खर पतवार मत रहने देना। ये सारे अधार्मिक लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। क्यों? तुमको केवल यार अभी तक इतनी 60 साल की उम्र होने के बाद तुमने केवल मनुष्य देखा इस धरती पर, ये नहीं समझ पाते ये माँ किसके किसके लिए क्या क्या बो रही है। तुमने भतुआ पैदा किया है, हिरण खुरी मोथा धूप घास, आपको इतनी समझ नहीं आ रही है कि अनादिकाल से मोथा धूप हिरण खुरी यहाँ बढ़ रही थी, पल रही थी, किसके लिए? गिलहरी क्या खाएगी, चींटी क्या खाएगा, केंचुआ क्या खाएगा, मेंढक क्या खाएगा, सांप क्या खाएगा, चूहा क्या खाएगा, चिड़िया क्या खाएगी, उसके लिए माँ खेती करती है। तो माँ को खेती करने दो, तुम भी अपना काम चलाओ और दूसरे जीवों का भी चलने दो, इसी का नाम धर्म है। ये सारी व्यथा, मुझे सॉइल की फर्टिलिटी से मतलब नहीं है, मुझे वर्षा कैसे होती वो भी पता नहीं है, हवा में कंटामिनेशन कैसा हुआ मुझे वो भी पता नहीं है, जीव जगत की माया भी पता नहीं है, वनस्पति जगत की माया भी पता नहीं है, मुझे भगवान की पता नहीं, मुझे परमात्मा की पता नहीं, मुझे सत नहीं पता, चित नहीं पता, आनंद नहीं पता, ओम नमो शिवाय इतना ही पता है। देखते हैं शिव बाबा तुम्हारा कल्याण कैसे करते हैं। नमस्कार।